हेलो दोस्तों, एम के एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी मेट्रो का ओल्ड पेपर। और दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर है वो है असिस्टेंट मैनेजर यानी कि जो विभाग है SNT उसमें जो है एग्ज़ाम होता है इसका दोस्तों 20 जनवरी 2020 को। और दोस्तों ये जो पेपर है वह आगे आने वाले जो यूपी मेट्रो के एग्ज़ाम्स है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों ये जो पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पेपर है यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का जो पिछली बार जो है एग्ज़ाम हुआ था यूपी मेट्रो में उसका ये ओल्ड पेपर है। और दोस्तों अभी जो हाल ही में यूपी मेट्रो के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं तो उनके लिए ये जो पेपर है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में जो है MKN अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो मेट्रो से संबंधित जितने भी ओल्ड पेपर है वो अपलोड किए जाएंगे, चाहे वो दिल्ली मेट्रो है, चाहे जयपुर मेट्रो है, चाहे यूपी मेट्रो है। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यूपी मेट्रो के ओल्ड पेपर की। और दोस्तों जो पिछली बार जो मैंने जयपुर मेट्रो के ओल्ड पेपर करवाए थे उनमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जयपुर मेट्रो के एग्जाम्स में जो है वापस रिपीट हुए थे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ इन ओल्ड पेपर में से जो कई सारे जो क्वेश्चंस हैं यूपी मेट्रो के आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें रिपीट हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यूपी मेट्रो के ओल्ड पेपर के पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में है फॉर ए मोस्फेट सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप VDS, VGS एंड VTH वेयर द ड्रेन वोल्टेज इज VDS, द गेट वोल्टेज इज VGS एंड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर इज VTH, देन द ट्रांजिस्टर इज सेड टू ऑपरेट इन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ट्रायोड रीजन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है वो डायग्राम का क्वेश्चन है। और दोस्तों इस तरह के जो डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं वो कई बार जो है 100% जो है रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉन्फिग्रेशन एंड द गेन ऑफ द अबव सर्किट इज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों पहले में आएगा इन्वर्टिंग और दूसरे में आएगा R2/R1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन है द मेली मशीन इंप्लीमेंट्स द फॉलोइंग बिहेवियर। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या है इसके द्वारा हल करना है, यानी कि एक सारणी दी गई है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है और इसमें देख सकते हो क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन प्रोवाइड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि मेजर ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन टू सिग्नल्स, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों और पांचवा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें भी एक डायग्राम है और डायग्राम के माध्यम से इसे क्या है कंप्लीट करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है मिनिमम क्लॉक पीरियड ऑफ द गिवन सर्किट इज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा ए, यानी कि 17 माइक्रो। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें छठा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें भी एक डायग्राम दिया हुआ है और दोस्तों इसमें पूछा है देन वाट इज द टोटल गेन ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसका पूरा टोटल गेन पूछा है। तो दोस्तों वो होगा 3.31, यानी कि जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो यानी कि जो सातवां क्वेश्चन है। तो दोस्तों सातवें क्वेश्चन में द एक्स कोष्टक एन बराबर 4321 सिग्नल इज। तो दोस्तों इसके सिग्नल के बारे में पूछा है, वो है 6.circularly even, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों रिप्रेजेंट कोष्टक -17 10 इन 8-bit 2S कम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, 1110 और 111, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और नवे क्वेश्चन में आप देख सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू इज कम्प्लीटली इन द रेडियल डायरेक्शन वेयर पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल देन पॉइंट बी एट इन्फिनिटी वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस, यानी कि दिस इज गिवन एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि वी बराबर क्यू बटा 4π E0R, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दसवां क्वेश्चन है, और दसवें क्वेश्चन में आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन f बराबर (bar AB + bar A + B) इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा (bar AB), ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारहवां क्वेश्चन है, और दोस्तों बारहवें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इन CMOS इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए NAND गेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि द टू PMOS आर इन पैरेलल एंड टू NMOS आर इन सीरीज, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो तेरहवा क्वेश्चन है, और तेरहवें क्वेश्चन में आप देख सकते हो द पीरियोडिक स्क्वायर वेव इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए 15 ओम रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ VM इज 60 वोल्ट एंड T इज 5 ms, द RMS वोल्टेज इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, 30 वोल्ट, यानी कि 30 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौदहवा क्वेश्चन है, और दोस्तों चौदहवें क्वेश्चन में है चार्ज कैरियर्स मूव इन सेमीकंडक्टर व्यू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन मैकेनिज्म, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंद्रह, इसमें टू क्रिएट CMOS टेक्नोलॉजी NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड ऑन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, सी, यानी कि द सेम सबस्ट्रेट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलहवा क्वेश्चन है, और दोस्तों सोलहवें क्वेश्चन में आप देख सकते हो
एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर हैज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर स्टेट एन वन एंड इन द हायर स्टेट एन टू विथ रिलेशनशिप फॉर हाई एम्पलीफिकेशन एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा एन टू से एन वन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों द ट्रांसफार्मर दैट सप्लाइज ए रिपल करंट टू द कैपेसिटर इनपुट सर्किट विल नीड टू हैव ए वी ए रेटिंग दैट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा एक्सिट देयर लोड रेटिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 18वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 18वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द करंट डेंसिटी जे इन ए कंडक्टिंग मीडियम वेयर जीरो इज द कंडक्टिविटी इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जे बराबर जीरो ई, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है और इसमें है इफ द फ्लक्स डेंसिटी थ्रो ए स्फेरिकल सरफेस विथ रेडियस डी इनक्लोजिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू एंड ए इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इज क्यू बटावा फोर पाई डी टू एल्फा देन द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्यू। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, मॉस्फेट ऑपरेटिंग इन द सेचुरेशन रीजन बिहेव्स एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि करंट सोर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों लार्ज नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सब नेटवर्क्स बाय मींस ऑफ ए एन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि इंटरकनेक्टेड टू पोर्ट मॉडल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों द एंड पॉइंट डी एफ टी ऑफ द सिग्नल। तो दोस्तों ये जो है इसमें दिया हुआ है, इसके आधार पे जो आंसर है वो ढूंढना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों ईपी रोम इज बेस्ड ऑन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा एफ ए मोस। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है ए सर्किट हैविंग थेवनिन वोल्टेज विड्थ एंड थेवनिन रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू ए लोड रजिस्टर आर एल द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर टू द लोड इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आर एल बराबर आर टी एच, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों फोर एन एन बी टी एफ वी कन्वर्टर टू इंश्योर लेस देन 1/2 एल एस बी आउटपुट रिपल द टाइम कॉन्स्टेंट टी ऑफ सिंपल आर सी लो पास फिल्टर मस्ट बी एट लीस्ट वेयर टी जीरो इज द आउटपुट पीरियड ऑफ द एन बिट कन्वर्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि टी बराबर 0.69 कोष्टक एन प्लस 1 कोष्टक टी जीरो, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 26वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोविंग थ्रू ए 60 वाट लाइट बल्ब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द बल्ब ईच मिनट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा सी, यानी कि 1.875 × 10 यानी कि 10^20 इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 27वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों एक क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज डोप्ड यूनिफॉर्मली विथ फॉस्फोरस एटम्स विथ डोपिंग डेंसिटी 10 एटम्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब, द होल डेंसिटी इन दिस मटेरियल एट रूम टेम्परेचर इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1.17 × 10^4 होल्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों द पेल हैज एंड। तो दोस्तों यहाँ जो दो खाली जगह है इसमें क्या आएगा, वो आएगा दोस्तों बी, यानी कि एंड एरे प्रोग्रामेबल ओ आर एस एरे फिक्सड, ये दोनों क्या आएंगे इस जगह पे आएंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों फॉर ए पैरेलल आर एल सी सर्किट द क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन फॉर एल्फा बराबर 1/RC डैम्पिंग फैक्टर एंड डब्ल्यू जीरो बराबर 1/√LC रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा एल्फा बराबर डब्ल्यू जीरो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों इफ कंप्यूटर ए हैज साइकिल टी ए बराबर 250 PS एंड CPL साइकिल यानी कि इंस्ट बराबर 2.0 एंड कंप्यूटर बी है साइकिल टी बी बराबर 500 PS एंड CPL बराबर 1.2 देन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा डी, यानी कि कंप्यूटर ए इज 1.2 टाइम्स फास्टर देन बी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31वां। इसमें दोस्तों द ग्रे कोड ऑफ 10012 इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा 1101, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका जो बाइनरी कोड है वो ये होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों द रेडुडेंसी ऑफ एन एन के कोड इज डेफिनेट एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा के बटे एन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है इन ए सेल फोन ए पावर एम्पलीफायर डिलीवरिंग 1 watt टू द एंटीना मे पुल सेवरल वाट्स फ्रॉम द बैटरी इफ द पावर कन्वर्जेंस एफिशिएंसी इज 30% देन द अबव सेल फोन ट्रांसलेट्स टू ए पावर ड्रेन ऑफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा डी, यानी कि 3.33 watt फ्रॉम द बैटरी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34वां क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 0.75 इन IEEE सिंपल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट इज।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों हाउ मेनी टर्न्स ऑफ वायर आर नीडेड टू प्रोवाइड ए पोटेंशियोमीटर विथ ए रेजोल्यूशन ऑफ 0.05%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 2000, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल इन ए सेलुलर मोबाइल सिस्टम इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि फ्रिक्वेंसी रीयूज, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों द आइजिन वैल्यू ऑफ ए बराबर 0, 1, -6, -5 आर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, आइदर -2 और -3। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों स्लू रेट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एस इज इफ इज ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एंड वी एम इज द आउटपुट वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 2πfVm, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों ए 0.2 माइक्रोएम लॉन्ग सेमीकंडक्टर सस्टेंड ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इफ द लो फील्ड मोबिलिटी इज 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वी एस एंड द सेचुरेशन वेलोसिटी ऑफ द कैरियर्स इज 10.7 cm पर एस द इफेक्टिव मोबिलिटी विल बी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 174 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वी एस। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और दोस्तों डायग्राम के माध्यम से पूछा है द थेवनिन वोल्टेज एंड द थेवनिन रजिस्टर इज द गिवन सर्किट इज एंड रिस्पेक्टिवली, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 43.2 वोल्ट और 2.1 किलो ओम, ये इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां, इसमें दोस्तों द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1/s², ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, और इसमें है दोस्तों द फेजर ऑफ ए सिनुसोइडल फंक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैरीज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों ए मॉस्फेट इज बायस्ड एट ए ड्रेन करंट ऑफ 0.5 mA इफ अनकोक्स बराबर 100 μA/V² W/L = 10 and λ बराबर 0.1V-1 द इंट्रेंसिक गैन GMR0 विल बी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 20, यानी अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द डिक्रेट टाइम फिल्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय द जेड ट्रांसफॉर्म फंक्शन, तो दोस्तों द क्वांटिटीज ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स वैल्यूज आर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, H0 = 1, H1 = -1.5, H cos 2 = 0.75, H cos 3 = -0.325, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों ए माइक्रोफोन इज कनेक्टेड बिटवीन द बेस एंड द ग्राउंड ऑफ ए BJT ए 1 kΩ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द कलेक्टर एंड VCC इफ IS = 6×10⁻¹⁶ ए एंड द पीक वैल्यू ऑफ द माइक्रोफोन सिग्नल इज 20 mV, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1.29×10⁻¹² V। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें है द पथ ऑफ ए लाइट रे गोइंग फ्रॉम हाई इंडेक्स मटेरियल टू ए लो इंडेक्स मटेरियल इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ एज फॉलोइंग, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि N1 sin θ = N2 sin β। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों इफ ए जीरो इज एडेड इन ए फॉरवर्ड पथ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि राइज टाइम विल डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन क्लोज लूप इनकॉर्पोरेट्स एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैविंग ए गेन ऑफ 1000 इफ द नॉमिनल गेन इज 5 देन द गेन एरर ऑफ द सर्किट विल बी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 0.5%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए वाइट नॉइज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इज इट कॉन्स्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50वां क्वेश्चन है, द डोमिनेंट मोड ऑफ एनी वेवगाइड इज दैट ऑफ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि लोवेस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों चैनल कैपेसिटी ऑफ ए नॉइज फ्री चैनल हैविंग एम सिंबल्स इज गिवन बाय, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि लॉग एम, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52वां क्वेश्चन है, ए DSBS सिग्नल कैन बी डीमोडुलेटेड यूजिंग, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि एलो पास फिल्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों ओनली हार्मोनिक्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि एवरेज
पावर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों इफ़ द डिक्रेट टाइम सिक्वेंस एक्स एन एन बराबर जीरो इज डेफिनेट टू बी एन एन देन द जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड इज फॉर जेड वन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि जेड बटे जेड माइनस वन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों पिक द ऑड वन आउट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि स्टोचेस्टिक फंक्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों द आउटपुट वोल्टेज इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि ये देख करके इसके बारे में पूछा है, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर एंड बी एन आर बिट्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि डेक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों द डी टी एफ टी ऑफ एक्स एन बराबर 0.5 एन यू कोष्टक एन कोष्टक यूजेज जियोमेट्रिक सीरीज इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि एक्स कोष्टक डब्ल्यू कोष्टक बराबर 1/1 माइनस 0.5 ई माइनस जे डब्ल्यू, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों इफ आर ए बराबर 10k आर बी बराबर 10k एंड कैपेसिटेंस बराबर 10 माइक्रोफेरड द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर 55 इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 0.207s, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59वां, इसमें दोस्तों ए डायोड इज बायस्ड एट ए करंट ऑफ 1 mA, व्हाट इज द करंट चेंज इफ VD चेंजेस बाई 1 mV। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 38.4 माइक्रो एम्पियर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों एन FM सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड बाई यूजिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए डिस्क्रिमिनेटर, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों 61, यानी कि द स्मिथ चार्ट इज ए ग्राफिकल एंड स्लोविंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन प्रोफाइल, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62वां क्वेश्चन है, और इसमें है दोस्तों इफ जी कोष्टक एस कोष्टक बराबर 5/s एंड एच कोष्टक एस बराबर 1/s देन दिस इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा होगा सी, यानी कि टाइप 2 सिस्टम, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 63वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों द फोरियर सीरीज असिस्ट्स इन फाइंडिंग द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बाई ट्रांसफरिंग द एनालिसिस फ्रॉम द। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट कॉन्फिग्रेशन इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि ए प्रिसीजन रेक्टिफायर, यानी कि ये क्या होता है, यह एक प्रिसीजन रेक्टिफायर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65वां, इसमें भी एक डायग्राम है दोस्तों, इसमें द डायोड कट इन वोल्टेज इज 0.6 वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टिंग डायोड इज 0.7 वोल्ट इफ V1 बराबर 10V एंड V2 बराबर 0V10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि V0 बराबर 8.37 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसके बारे में पूछा है, इसमें है दोस्तों द पीरियोडिक स्क्वायर वेव इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए 15 ओम रजिस्टर द वैल्यू ऑफ VM इज 60V एंड T इज 5 mS द DC कंपोनेंट्स ऑफ VT इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 15 वोल्ट ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 67वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों द कॉमन सोर्स स्टेज ऑफ CMOS एम्पलीफायर प्रोवाइड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि मॉडरेट वोल्टेज गेन हाई IP इम्पिडेंस एंड मॉडरेट OP इम्पिडेंस, यानी कि इनपुट और आउटपुट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68वां क्वेश्चन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज ए टूल फॉर कन्वर्टिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि टाइम डोमेन इक्वेशंस टू फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 69, द ब्रेकडाउन वोल्टेज VBD हैज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट फॉर जीनर इफेक्ट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट फॉर एवलांच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70वां, यानी कि 70वां क्वेश्चन है दोस्तों, इन PCM इफ द नंबर ऑफ क्वांटिसेशन लेवल्स इन इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 64 देन द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल अप्रोक्सीमेटली बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 3 times, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71, यानी कि 71वां, 4G कोष्टक एस एच कोष्टक एस बराबर 1/s+2 द सिस्टम इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि स्टेबल हैज नो जीरो, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों एन टाइप सिलिकॉन दैट इज 1 μm लॉन्ग सेंसेस ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इफ द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स माइक्रो एन बराबर 1350 cm² पर VS द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1.35 × 10⁻¹². अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों इफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज -2 + j -2 - j
देन द सिस्टम इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा स्टेबल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74वां, इसमें दोस्तों ए डिजिटल फिल्टर इज सेड टू बी एन आई आई आर इफ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस आउटपुट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75वां, और इसमें दोस्तों डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है, द नॉर गेट फीड्स फाइव गेट्स, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी टू ड्राइव ऑल दीज गेट्स इन टू सेचुरेशन वैन वी जीरो इज हाई, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 7.1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड फॉर एन एन बिट डी ए सी इन द केस ऑफ आर माइनस टू आर लेडर इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 21, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77वां, इसमें दोस्तों द ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम वेयर इंपल्स रिस्पॉन्स इज ई माइनस थ्री टी इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1/s+3, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों द एड्रेसिंग एक्सप्रेशंस इन 8086 मूव काउंट 100 एच इज एन एग्जांपल ऑफ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि डायरेक्ट इमीडिएट, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79, इसमें दोस्तों इफ द डेल्टा इंपेडेंस आर जेड ए जेड बी एंड जेड सी एंड द वाई इंपेडेंस आर जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि Z1 बराबर ZB ZC बटे ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों ए सिग्नल ऑफ 1 kHz इज टू बी एम्पलीफाइड बट द सर्किट बोर्ड एंड वायर्स पिक अप एंड स्टोर 60 Hz कंपोनेंट फ्रॉम ए नियर बाई इलेक्ट्रिक लाइन, इफ दिस कंपोनेंट इज 40 dB हायर देन द डिजायर्ड सिग्नल, वाट फिल्टर स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन इज necessary to ensure the signal remains 20 dB above the interferer level, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि हाई पास फिल्टर विद स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन ऑफ 60 dB एट 60 Hz, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81वां, फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, तो दोस्तों इसके बारे में ये पूछा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है वो है ए, यानी कि स्टेबल। अब दोस्तों 82वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें एक डायग्राम है, उसके बारे में पूछा है, द गिवन सर्किट ऑपरेट्स एज ए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि फ्लिप फ्लॉप, ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84वां, इसमें दोस्तों द DFT ऑफ द सिक्वेंस एक्स बराबर कोष्टक 10 - 10 कोष्टक इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि एक्स बराबर कोष्टक 0202 कोष्टक, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों एफ कोष्टक टी बराबर माइनस एफ कोष्टक टी माइनस टी बटे टू कोष्टक, फिर है द गिवन पीरियोडिक फंक्शंस प्रोसेस, यानी कि इसके बारे में पूछा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाफ वेव सिमेट्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों ए हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेट्स फ्रॉम ए 50 Hz सप्लाई एंड प्रोवाइड्स पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ 60 V अक्रॉस 600 Ω रेजिस्टेंस, इफ वन लिमिट्स द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज अक्रॉस लोड एज 50 V देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर फिल्टर विल बी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 11.7 μF। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87वां, इसमें दोस्तों सॉल्विंग पॉइजंस इक्वेशंस अमाउंट्स टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स फॉर ए गिवन, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है, इन द डिवाइडर सर्किट इफ RL इज अटैच्ड इन पैरेलल टू R2 द वोल्टेज अक्रॉस R1 डबल्स, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ RL, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 1.5 kΩ, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89, यानी कि 19वां, द मेन एडवांटेज ऑफ PCM इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बेटर परफॉर्मेंस इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉइज, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90वां, इसमें द बैंड गैप एनर्जी इज द रिक्वायर्ड टू डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बॉन्ड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि मिनिमम एनर्जी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे वो थे ब्रांच के क्वेश्चन, यानी कि ट्रेड के क्वेश्चन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच थी उसके क्वेश्चन है, और अब है दोस्तों जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी का, इसमें दोस्तों द एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड एंड द होर हैंड व्हेन द टाइम इज 4.15 इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 37.5 डिग्री, ये इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है विच वन नंबर्स इज लाइक द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए, यानी कि 427, यानी कि 427। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ए मैन वॉकड 350 मीटर नॉर्थ, ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 450 मीटर, ही देन टुक ए लेफ्ट टर्न एंड फ्लू 210 मीटर, ही देन टुक ए यू टर्न एंड वॉकड 105 मीटर, विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग नाउ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि नॉर्थ, यानी कि अभी वो क्या है नॉर्थ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल इंटरेस्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट पेबल एनुअली, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 4% क्वार्टरली, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा, इसमें दोस्तों इफ एक्स बराबर 3 वाई बराबर 5 एंड जेड बराबर एक्स प्लस वाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 10, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, इसमें दोस्तों अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सीरीज देन फाइंड द नेक्स्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा, यह आएगा दोस्तों 319, यानी कि 319, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 3x13, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां, इसमें द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 10% देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 98.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है, इसमें इफ ए बॉय वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 12 सेकेंड देन व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर प्रति हॉर्स, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 9 किलोमीटर पर हॉर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्यारहवां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों ए टैंक होल्ड्स 300 लीटर्स ऑफ वाटर व्हेन इट इज 2/5 फुल, हाउ मच वाटर विल द टैंक होल्ड व्हेन इट इज हाफ फुल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 375, यानी कि 375। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बारहवां क्वेश्चन है, इसमें सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन ए सर्टेन वे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 7 से 27 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तेरहवां, इसमें इफ इन ए सर्टेन कोड जियोलॉजी इज रिटन एज 6224 हाउ विल लॉबस्टर बी रिटन यूजिंग द सेम कोड, यानी कि अगर जियोलॉजी को इस तरह से लिखा जाता है तो लॉबस्टर को किस तरह से लिखा जाएगा, तो आएगा सी, यानी कि 5239 के द्वारा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौदहवां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एनालॉजी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, वो आएगा दोस्तों सी, यानी कि ट्राउजर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंद्रहवां, फाइंड 10 75 डिग्री इफ 10 cos A + B cos 10A + 10B/1 - 10A 10B, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि 2+√3, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोलहवां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 taps x and y इन 18 and 30 minutes रिस्पेक्टिवली इफ टेप एक्स स्टॉप वर्किंग वेन द टैंक इज हाफ फुल देन वाट इज द टोटल टाइम दैट द टैंक विल टेक टू फिल, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी कि 20 से 5/8। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्रहवां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम मोस्ट सुटेबली रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग क्लासेज, यानी कि पिग स्पैरो और क्रोकोडाइल, यानी कि इन तीनों को जो है कौन सा डायग्राम जो है सुटेबल करता है, तो वो है डी, यानी कि ये तीनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अठारहवां क्वेश्चन है, टू पोजिशंस ऑफ ए क्यूब आर गिवन बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच लेटर इज फाउंड अपोजिट टू लेटर डी इन ए गिवन क्यूब, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19, यानी कि 19वां, ए बी सी ई एफ एंड जी आर 6 dancers, बी कैन नॉट डांस बेटर देन ए ए इज ए बेटर डांसर देन जी ई इज ए बेटर डांसर देन सी ई कैन नॉट डांस बेटर देन बी और जी F is a better dancer than A, who among these 6 is the best dancer, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा C, यानी कि F। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो दोस्तों इस टेबल से आंसर देना है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 13:10। अब दोस्तों जो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं, तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम इन द गिवन सेंटेंस, पीपल ऑफर डिफरेंट व्यूज बट सिलास कमेंट हिट द नेल ऑन द हेड, तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, वो आएगा दोस्तों एक्सप्रेस्ड समथिंग एग्जैक्टली राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है,
पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो दोस्तों इसको क्या करना है, एकदम सही व्यवस्थित करना है। इसका आएगा बी, यानी कि इन ए बैटल बिटवीन एलिफेंट्स द आर्म्स गेट स्क्वेश्ड, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शीला हैज बीन वर्किंग एज ए नर्स सिंस फोर ईयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सिंस फोर ईयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन विदड्रॉ ₹1000 एट दिस ATM। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अप टू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, चीज का क्या होगा दोस्तों, वो होगा स्टॉप सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि मिस्टर सेल्व वाज इनवाइटेड टू बी द चीफ गेस्ट बाय द कमिटी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो दोस्तों वो होगा हैरेसमेंट, यानी कि ये जो स्पेलिंग है वो एकदम राइट है और ये तीनों क्या है गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो हिंडर का क्या होगा दोस्तों, हेल्प। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि सैम टोल्ड मी टू सेट अप ए मीटिंग विद द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट डे, यानी कि इस सेंटेंस का ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दसवां, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है ए पर्सन हु क्रिएट्स एंड स्टडाइज मैप्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि कार्टोग्राफर, ये इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसका जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है द BCG वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ट्यूबरोक्लोसिस, यानी कि ये जो होता है BCG का टीका वो किसके लिए लगाया जाता है, वो लगाया जाता है ट्यूबरोक्लोसिस के लिए, यानी कि इसके रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की मुद्रा क्या है, वो है यूरो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, सचिन तेंदुलकर हिट इज 100 इंटरनेशनल सेंचुरी विल्स्ट प्लेइंग अगेंस्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने जो अपनी जो 100वां जो सेंचुरी है वो जो है बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, इन द वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेज कॉल्ड वर्नास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज द कंट्रीज न्यू एम्बेसडर टू द UAE इन अगस्त 2019। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि पवन कपूर, यानी कि दोस्तों भारत सरकार ने जो UAE में जो अपना जो एम्बेसडर है वो पवन कपूर को नियुक्त किया था, कब किया था, 2019 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर्स अबाउट 700 एंड इज नाउन एज द लैंड ऑफ रिवर्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ लो मेनी कंट्रीज। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी, यानी कि 7, यानी कि जो भारत है 7 देशों के साथ में जो है अपनी जो है सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां, इसमें द प्रीमेबल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा USA। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नौवां, नेम द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है, वो है आइजोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, यानी कि जो सिख समुदाय है उसके जो फाउंडर है वो कौन है, वह है श्री गुरु नानक देव जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्यारहवां क्वेश्चन है, विल सक्सेस रोमेश सोपती एज MD एंड CEO ऑफ इंडस INDी बैंक इन अर्ली 2020। तो दोस्तों आंसर होगा इसका सुमंत कथपालिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बारहवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। तो PDF का पूरा नाम क्या है, वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तेरहवां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एज आवर टेलीफोन वायरिंग। तो दोस्तों जो है इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ADSL। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौदहवां क्वेश्चन है, विच इज द ओनली नॉन मेटेलिक एलिमेंट दैट इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंद्रहवां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों विच इज द अर्थ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से जो है ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोलहवां, ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 days इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम असम, यानी कि असम का जो है लोक नृत्य क्या है, वो है दोस्तों बिहू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, हाउ टेल
इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात? तो दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में नहीं बनी है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 182 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां, अराउंड द टाइम इट केम इन टू फोर्स इन विच लैंग्वेज वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन इन एंड देन इन टू विच लैंग्वेज इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज बैडमिंटन ऑफिशियली इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 1992, यानी कि दोस्तों जो है ओलंपिक में जो बैडमिंटन खेल है उसे 1992 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर था वो था यूपी मेट्रो का असिस्टेंट मैनेजर का, और दोस्तों ये जो पेपर है वो पिछली बार का पेपर है, यानी कि दोस्तों अब की बार जो यूपी मेट्रो का जो एग्जाम हो रहा है, हो सकता है दोस्तों इस पेपर में से जो कई सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएं। हालांकि दोस्तों इस पेपर में जो मैंने आपको एक जो है क्वेश्चन बताया था, यानी कि ये जो पेपर है वो 2020 का है, इससे पहले जो मैंने 2018 का जो पेपर का वीडियो अपलोड किया था उसमें ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है वापस से। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और अंत तक देखते हो तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाले यूपी मेट्रो के एग्जाम्स में जो है वापस रिपीट हो सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको किसी भी मेट्रो एग्जाम्स की अगर तैयारी करनी है, उसके ओल्ड पेपर चाहिए, तो आप एमकेएन एकेडमी के चैनल से ज़्यादा जुड़े और इसे शेयर करें। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।